द कुकिंग डायरीज आज आपको बता रही हूँ मैं शाही पीस या शाही टुकड़ा की रेसिपी, जिसको मैं जो है भोपाली स्टाइल में बनाऊंगी, जिसे मतलब ऑथेंटिक ही होती है ये रेसिपी। वो जो भोपाल की मशहूर रेसिपी है शाही टुकड़ा, शाही पीस, इसके लिए मैंने 1 kg मिल्क लिया है और इसको मैंने बॉयल करने रख दिया है। सबसे पहले इसको थोड़ा सा मैंने बॉयल कर लिया था, फिर से मैं आपके सामने बॉयल करती हूँ। अब इसी में बॉयल करते करते हम इसमें जो है शुगर डाल देंगे। 1 cup जो है हमें शक्कर डालना है, इसमें शुगर डाल, ठीक है। इसी के साथ मैं ना इसको चलाती रहूँगी ताकि जो शक्कर है अच्छे से मेल्ट हो जाए, उसमें लगे नहीं। और इसके साथ मैंने ये थोड़ा सा केवड़ा लिया था, 1/2 चम्मच के करीब केवड़ा वाटर था, और उसके अंदर मैंने थोड़ा सा जो है ऑरेंज फूड कलर ऐड कर दिया है, और अब वो मैं इसमें डाल दूंगी। ये इसमें डाल देंगे हम, अच्छे से इसको पका लेंगे शक्कर को, ताकि हमारी इसमें शक्कर जो है अच्छे से पक जाए। शक्कर जो है हमारी अच्छे से पक चुकी है, और इसमें जो दूध में हमारे उबाल भी आ गया है दोबारा से। और अब मैंने ये मावा लिया है, एक खोया, ये 250 ग्राम के करीब मावा है, और इसमें जो है ना मैं थोड़ा सा इसमें डाल दूंगी, पूरा नहीं डालूंगी, इसमें आधा डालूंगी। और यहाँ पर मैंने इलायची का पाउडर लिया है, 4 से 5 इलायची का पाउडर है, 1/2 चम्मच के करीब होगा, ये भी हम इसी में ऐड कर देंगे। इस स्टेज पे हमें गैस की फ्लेम ऑफ कर देनी है। मैंने यहाँ एक पैन लिया है और इसमें मैंने घी डाला है, घी गरम करने के लिए मैंने रख दिया है। इसमें घी गरम होने का वेट करेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने जो है ब्रेड्स ली हुई है, ये जो है 6 ब्रेड हैं, आप जितना चाहे उतना ज़्यादा बना सकती हैं। और ये इसके जो है ना मैंने ब्रेड्स के कॉर्नर जो हैं वो काट लिए हैं सिरे, और उसको काट कर मैंने रख लिया है। अब यहाँ पर हमारा जो है घी गर्म हो गया है, और हम एक एक जो पीस है ये हमारा ब्रेड का हम इसमें डालते जाएंगे। एक और जगह है, इसमें एक ब्रेड और फ्राई हो जाएगी, तो मैं एक ब्रेड और साथ ही डाल दूंगी, ताकि ये 2 ब्रेड्स एक साथ फ्राई हो जाएं। ब्रेड जो है ना एक साइड से फ्राई हो गई है, उसका मैंने जो है साइड चेंज कर दिया है। इस तरह से हमें ब्रेड को फ्राई करना है, ये देखिए ब्राउन होना चाहिए, ज़्यादा वाइट भी नहीं होना चाहिए, इस तरह से पिंकिश जो कलर है वो आना चाहिए ब्रेड का। इसी तरह से मैं सारे ब्रेड फ्राई कर लूँगी। फ्राई हो गई है, देखिए दोनों साइड से जो है ना, देखिए इस तरह से फ्राई पिंक कलर आ गया है इसमें। अब हम इसको निकाल लेंगे एक प्लेट के अंदर। यहाँ पर जो है मैंने एक ट्रे ली है, और ट्रे आप ध्यान रखें कि वो थोड़ी घेरी होना चाहिए, यानी कि डीप होना चाहिए, ये देखिए थोड़े घेरी है। और अब मैं इसमें थोड़ा सा जो है ड्राई फ्रूट इसमें जो है डाल दूंगी, मुझे बादाम और जो पिस्ता काजू, आप अपने हिसाब से ड्राई फ्रूट जो है चूज कर सकते हैं, जो भी आपको ड्राई फ्रूट लेना है। और अब मैंने ये जो ब्रेड फ्राई किए हुए हैं, ये एक एक करके ब्रेड मैं इसमें डाल दूंगी, ये और बस इसको डालना है ब्रेड को, हमने जो मिल्क रेडी किया था, और इसमें उसको निकाल कर हम इसमें ट्रे में जो है रखते जाएंगे। अब ये जो है ना हमारा ब्रेड हमने इसमें दूध में स्प्रे वो करके इसमें रख दिया है। अभी मैंने मावा जो आधा बचाया था वो मावा हम इस पर थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे, ये देखिए। और अब ये जो है ना हमारा जो इसमें ये डाल दिया है हमने मावा, और उसके ऊपर एक एक चम्मच से जो हमारा मिल्क रेडी करा हुआ था उसको हम डाल देंगे, ठीक है। और पूरा ब्रेड पे, सारी ब्रेड पर हम ये डाल देंगे, और इस तरह से जो पूरा है ना बहुत अच्छे से ये ब्रेड जो है ना इसमें गल जाएंगी। थोड़ा ज़्यादा इसमें जो है मिल्क ऐड करिएगा, ताकि ये जो ब्रेड है सारे डूब जाएं, जो हमारे ड्राई फ्रूट्स थे जो बचे हुए थे काजू पिस्ते बादाम, और उसको भी ऊपर से डाल देंगे। और ये हमारी जो है शाही पीस या शाही टुकड़ा रेडी है, बहुत ही टेस्टी बनता है ये, इसको आप ट्राई करिएगा। और आप लोग अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल को